धोनी से करते हैं प्यार तो कमेंट बॉक्स में लिखिए लव यू धोनी, क्योंकि आपको बता दें कि सीएसके ने 2019 के लिए अपने 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है और ये फैसला किया है कि 2019 में भी सीएसके के कप्तान होंगे महेंद्र बाहुबली धोनी। जी आपको बता दें कि 2 साल के बाद 2018 में वापसी करने वाली चेन्नई सुपर किंग ना केवल सबसे बुरी टीम मानी जा रही थी, लेकिन इस टीम में दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अंबाटी रायडू ने वो काम करके दिखा दिया जिसको किसी का यकीन नहीं था। जी आपको बता दें कि इन्होंने 2018 में ना केवल शानदार प्रदर्शन किया बल्कि खिताबी जीत जीत के सब आलोचकों के मुंह बंद कर दिया। आपको बता दें कि अंबाटी रायडू के लिए जो उनके पीछे रखे गए थे खिलाड़ी डेविड विली, उनको चेन्नई सुपर किंग ने रखा है और ऐसे में कनिष्क को रिलीज करके ये दिखाना चाहा है कि अब चेन्नई के पास बचे हैं 8,40,00,000 रुपए, तो ऐसे में जब बोली लगेगी तो कुछ नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे चेन्नई सुपर किंग में। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी को भले ही T20 से ड्रॉप किया गया हो, लेकिन चेन्नई की कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी।